गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम सभी लोगों को। और जुड़ जाइए आप सभी लोग। तो थोड़े देर के लिए मैं लाइव आया हूँ। हाय पृथ्वी अमन जी, हेलो सनी राजपूत जी एंड किशन नगर जी, मुबारक अली जी। इतनी सुबह सुबह लाइव आने का उद्देश्य जो मेरा है, मैं आप सभी को बताऊंगा, बट कुछ देर और इंतजार कर लीजिए। बढ़िया हूँ अरुण मेहरा जी, आप कैसे हैं? हाय शंकर सिंह जी, हाय आकाश भाई, हाय नंदराम यादव जी। हाँ, तो जितने लोग जुड़े हैं सभी को फिर से एक बार गुड मॉर्निंग, सबको नमस्ते, सबको प्रणाम। और अभी मैं हूँ इलाहाबाद में, अपने न्यू फिल्म कलयुगी ब्रह्मचारी की शूटिंग कर रहा हूँ, जिसके डायरेक्टर हैं अनिल उपाध्याय जी। बहुत ही प्यारी फिल्म बन रही है, इसलिए सुबह सुबह हम लोग सेट पे निकल चुके हैं। ये देखिए, सबसे पहले आप सभी लोगों का दिल से बहुत 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 जितना धन्यवाद कम होगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरा एक सॉन्ग जो 4 महीना पहले रिलीज हुआ था, सारे का माँ हम भोजपुरी से, नाच रे पतर की नागिन जैसन। गुड मॉर्निंग दिनेश भाई। नाच रे पतर की नागिन जैसन, उस सॉन्ग को आज 100 मिलियन प्लस व्यूज आप लोगों ने दिया, आप लोगों ने उसे देखा, आप लोगों ने उसे सुना, आप लोगों ने उस सॉन्ग पे इंजॉय किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज नाच रे पतर की नागिन जैसन 100 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया, तो ये आप सबका देन है। और एक कलाकार की मेहनत, एक कलाकार की टीम की मेहनत तभी सक्सेस होती है जब आप लोग का प्यार मिलता है और हिम्मत मिलती है और जोश आता है कि हमारे दर्शकगण इतना प्यार दे रहे हैं, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहेंगे इस सॉन्ग के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, हमारे छोटे भाई जो कि बहुत मेहनती हैं, प्रियांशु सिंह जी, जिन्होंने अपने म्यूजिक का जलवा दिखाया। और कुछ कुछ यूनिक यूनिक चीज़ हैं जो जैसे अंतरे में, मुखड़े में उन्होंने अपने न्यू स्टाइल में उस सॉन्ग को कंपोज किया, अपना संगीत दिया। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया भाई। राइटर आशुतोष तिवारी जी को, जिन्होंने इतना अच्छा अच्छा शब्द लिखा, इतनी डूब के निकला डॉल्फिन जैसन, तोरा उठ के सवाद नमकीन जैसन, आके नाच रे पत्थर की नागिन जैसन। तो सारे लोग नागिन धुन एक ऐसा धुन है जो कभी पुराना नहीं हो सकता है, हम लोग बचपन से लेके अभी तक सुनते आ रहे हैं। तो हमने सोचा इसको यूज किया जाए, और जब हम लोगों ने इसको अपने गाने में डाला और उस सॉन्ग पे जब हमारे सब भाई लोग नाचते हैं एकदम, जब शब्द आता है नागिन जैसन दोनों हाथों को उठा के, तो इतनी खुशी होती है कि मैं आप सबसे शेयर नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, निःशब्द हूं मैं। इस सॉन्ग के जो वीडियो डायरेक्टर हैं गोल्डी बॉबी सर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पंकज भाई जो इस गाने का प्रोडक्शन किए थे, एंड DOP थे हमारे प्रिंस भैया और सुनील बाबा, उनको भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील बाबा, हाँ सुनील बाबा, एडिटर भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद, निंजा भाई को। एंड नेहा जी इसमें परफॉर्म की थी, नेहा सिंह, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और स्पेशल थैंक्स बोलना चाहेंगे सारेगामा हम भोजपुरी एंड टीम को, स्पेशली बद्री भैया को, कि आपने ट्रस्ट किया और मुझे ये ट्यून दिया कि नहीं भाई नागिन धुन तुम कर सकते हो, और हम लोगों ने किया। मैंने जब ये सॉन्ग दिया उसी समय भैया बोले कि नहीं ये गाना बहुत अच्छा है, और धीरे धीरे वायरल हुआ। तो जितने भी रील्स पे हमारे भाई लोग हैं जिन्होंने सबसे बड़ा योगदान अगर देखा जाए इस सॉन्ग को वायरल कराने में, तो इसमें कहीं ना कहीं रील्स का भी बहुत देन है। तो जितने भी क्रिएटर भाई लोग हैं,
जिन्होंने रील्स पे इसके आने पे वीडियो बनाया, 4.5 लाख प्लस लोगों ने इस पे रील्स बनाया। इसके बाद जो 2.2 आया उस पे भी लोगों ने रील्स बनाया, डीजे वाला आया उस पे भी लोगों ने रील्स बनाया। तो जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर लोग हैं, या मैं छोटा किसी को नहीं बोलता हूँ क्योंकि कोई भी छोटा नहीं होता, कलाकार कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, तो जितने भी हमारे इंस्टाग्राम के रील्स क्रिएटर हैं उनको भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया भाई कि आप लोगों ने इतना मेहनत किया हमारे सॉन्ग पे और इतना टाइम निकाल के, मतलब नहीं होता है, यूनिक वीडियो आप लोगों ने बनाया, दर्शकों को लुभाया, आपको भी व्यूज मिले और हमारे गाने का भी प्रमोशन आप लोगों ने किया, तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आर्यन शुक्ला, थैंक यू भाई। आशु बाबा आ जाएंगे 2 दिन में, गर्दा मच गई बा। आर्या संजीत, थैंक यू। और मतलब क्या बताएं, 26 नवंबर को ये सॉन्ग रिलीज हुआ, इसके बाद दिसंबर बाद जनवरी से जो ये गाना है पकड़ा है, न्यू ईयर, सरस्वती पूजा, लगन एंड होली में भी लोग लेट लेट के नागिन धुन जो किए हैं, कभी कभी तो लोग इमोशनल कर देते हैं जब गाना बजता है और हजारों की भीड़ रहती है, और जब नाच रहे पुत्र की नागिन जैसन आता है और उस पर सारे भाई लोग हाथ उठा के नागिन डांस करते हैं। और हाँ, इस गाने में जो अपनी आवाज़ दी है बहुत ही अच्छे सिंगर शिल्पी रहता हूँ, और दर्शकों का मनोरंजन ऐसे ही करते रहूँगा, हम जितना मेहनत करते हैं उससे कई गुना। ये पुल पे नेटवर्क काम नहीं करता है, हाँ अभी हम लोग थोड़ा सा पुल पे थे तो नेटवर्क का इशू था। मैं बोल रहा था जितना मैं मेहनत करता हूँ उससे कई ज़्यादा मेहनत हमारा बड़ा भाई करता है, तो थैंक यू भाई कि एक पिलर, ऐसा मजबूत पिलर हमारे साथ है, क्या बताऊँ। सबको दिल से धन्यवाद भैया, जितने लोग हमें देख रहे हैं, जितने लोग हमें सुन रहे हैं अभी, और आप सभी को फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगा कि भोजपुरी में पहली बार जीना देवु काया पत्थर को 2.2 हम लोगों ने लाया था, और नेटवर्क के बहुत प्रॉब्लम होता भाई लोग, फिर से आप लोग को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि भोजपुरी में पहली बार हमने जीना देवु काय पत्थर को 2.2 लेके आया था, उसको भी आप लोगों ने प्यार दिया, और नाच रे पत्थर की 2.2 लेके हम लोग आए, और उसको भी आप लोगों ने महीना भर में ही 50 मिलियन के करीब उस सॉन्ग को आप लोगों ने देख लिया, सुन लिया, 48 मिलियन है शायद, तो उसको वो भी जल्दी 50 मिलियन हो जाएगा, यानी कि हाफ सेंचुरी हो जाएगा, तो जितना थैंक यू बोलूँ कम होगा भाई। आप लोग का प्यार पा के एकदम मन गदगद हो गया, तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया 2.2 को भी इतना प्यार देने के लिए, उसको भी जल्दी से 50 मिलियन कर दीजिए, 50 मिलियन का उसको भी 100 मिलियन कर दीजिए। बताना चाहेंगे कि बहुत जल्द, जितनी जल्दी कोशिश रहेगी, नाच रे पत्थर की 3 भी हम लोग लेके आ रहे हैं, तो बस तैयार रहिए नाच रे पत्थर की 3 के लिए, और उम्मीद है कि उससे जितना आप लोगों ने उम्मीद किया होगा उससे कहीं बढ़ के हम लोग नाच रे पत्थर की 3 लाएंगे, वही टीम फिर से आएगी और सारे का माम भोजपुरी से रिलीज होगा, वही म्यूजिक डायरेक्टर, वही राइटर एंड वही पूरी टीम एक साथ फिर से आएगी, तो बस इंतज़ार कीजिए। और दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो नाच रे पत्थर की को आप लोगों ने इतना प्यार दिया, और प्यार दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, इतना प्यार दीजिए कि ये भी एक क्या बोलूँ, जब आदमी को प्यार मिलता है तो वो चाहता है कि नहीं मुझे और प्यार मिले, और प्यार मिले, और कलाकार एक ऐसा होता है कि जितना प्यार मिलता है उसको कम लगता है, तो और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए नाच रे पत्थर की को, जितने लोगों ने सुना फिर से उसको शेयर कीजिए, और मैं कोशिश करते रहूँगा आप लोग के बीच अच्छे अच्छे सॉन्ग लाने का, भोजपुरी जिसके वजह से भोजपुरी का मान सम्मान बढ़े, और कभी भी कोई ऐसा गाना या कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलूँगा जिससे आप किसी को भी ठेस पहुँचे, तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू ऑल। ये प्यार, ये स्नेह, ये आशीर्वाद ऐसे ही आप लोग का बना रहे, थैंक यू।
जय श्री राम।